हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हॉर्नबिल बुक का यूनिट नंबर 3 डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, तुतनखामून इजिप्ट की एक बहुत बड़ी डिनास्टी का हिस्सा रहे और ये सबसे मिस्टीरियस किंग भी रहे। बेटा, 9 साल की उम्र में राजा बना दिए गए, 18 साल की यंग एज में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में इनकी डेथ हो गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस कह सकते हैं कि कैरेक्टर है। इस यूनिट में हमें एक प्रोसेस की जानकारी दी जाती है कि किस तरह से 3300 साल पहले उस राजकुमार को सोने के ताबूत में बंद करके इजिप्ट के किसी पिरामिड में दफना दिया जाता है, किस तरह से 1922 में एक आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर उस कॉफिन को ढूंढ निकालता है, और किस तरह से 2005 में ऑलमोस्ट 80 इयर्स लेटर उस ममीफाइड बॉडी की सीटी स्कैन के थ्रू इमेजिंग की जाती है और जानने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार उस राजकुमार के साथ हुआ क्या होगा, किन परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई होगी। थोड़ी बहुत जानकारी हमें यह भी मिलती है कि किस तरह से तुतनखामून राजा बने। इतिहास अपने साथ कई सारे रहस्य जोड़े रखता है बेटा। तुतनखामून के जीवन की कई सारी चीजें हैं जो आज तक दुनिया नहीं समझ पाई। क्यों दूसरे राजाओं से अलग तुतनखामून का कॉफिन जो है वो सोने का बनाया गया। उसकी सगी बहन नेफर्टिटी, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, उसकी कॉफिन कहीं क्यों नहीं मिली। कई सारी मिस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठेगा, लेकिन ये एक प्याज की तरह है बेटा, एक लेयर निकालो तो दूसरी लेयर तैयार। हिस्ट्री इसी तरह से होती है। चलिए, समय गवाए बगैर हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, रिटन बाय ए आर विलियम्स, डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूज। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब उनकी मृत्यु हुई तो एक टीनेजर थे, मैंने जैसे बताया 18 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. उनके परिवार ने सदियों तक शासन किया था। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. उनको सोने के ताबूत में बंद करके वहां रखा गया था। Laid to rest मतलब किसी की जब मृत्यु हो जाती है ना बेटा, तो उसके ये शब्द यूज होते हैं। Since the discovery of his tomb, tomb यानी कब्र, in 1922, the modern world has speculated का मतलब होता है अंदाजा लगाना, guess करना, about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. यहाँ पर उनको boyish pharaoh इसलिए कहा गया, दो शब्द हैं, मैं आपको समझा दूँ। एक है बॉयश, बॉयश मतलब टीनेजर यंगस्टर, और फैरो, इजिप्ट में किंग को फैरो कहा जाता था, इजिप्ट में किंग को फैरो कहते थे। एन एंग्री विंड स्टार्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टुट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्शियन सिटी सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग। अब मैं आपको बता दूं, इजिप्ट में एक जगह है जहां पे मरे हुए राजाओं को दफनाया जाता है, उस शहर का नाम है हमुनाप्त, जिसको वैली ऑफ द किंग्स भी कहते हैं। और ये सिर्फ इजिप्ट में नहीं है बेटा, ये हर कल्चर में आपको मिल जाता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो करके एक शहर है जहां पे मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, द सिटी ऑफ द डेड कहते हैं उसको। डार्क बेलीड क्लाउड्स मींस क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर। Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wheeling matlab dhak de raha. The stars in the cascade gray, cascade kehte hai taboot ko, gray dark color mein aasman pura dhaka hua hai. It was 6 pm on 5th January 2005, the world's most famous mummy glided head first into CT scanner, brought there to probe. प्रो मतलब जानकारी लेना, पता लगाना, इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना।
The lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. जैसे मैंने आपको बताया टूटनखामून की जो डेथ है वो 3,300 साल पहले हुई। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जहां पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। जमीन से 26 फुट की गहराई पे ये कब्र बनी हुई। They gaze at the murals on the walls, दीवारों पे बने हुए नक्काशियों को देखते हैं, of the burial chamber and peered at its gilded face. Gilded मतलब सोने में ढका हुआ। The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering. Pondering मतलब सोचना, thinking. Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him, was really true. तो वहां पे आके लोगों के मन में क्या ख्याल आते हैं? दो ख्याल आते हैं। एक ख्याल ये आता है कि ये राजा इतनी कम उम्र में मरा कैसे होगा, मतलब क्या रीजन होंगे कि 18 साल की उम्र में उसकी डेथ हो। दूसरा, कई बार हमने सुना है कि इजिप्ट में जब बॉडीज को दफन किया जाता था उनके साथ कोई श्राप कोई कर्स लगा दिया जाता था कि भाई जो भी इस कॉफिन को खोलेगा उसकी या तो मृत्यु हो जाएगी या तो उसका नसीब खराब हो जाएगा। आप में से किसी ने अगर द ममी नाम की एक सीरीज है जिसकी 3 मूवीज आ चुकी वो देखी है तो उसे पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। द ममी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920 सेड ज़ही हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। कार्टर हॉवर्ड कार्टर दैट इज व्हाट वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टूम आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। Its contents, though harshly ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. अब कहते हैं 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने उसको कॉफिन से बाहर निकाल लिया वो सबसे गलत काम था। ऐसा कहते हैं ज़ही हवास इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के CEO। ये कहते हैं कि अगर उस वक्त ये गलती ना हुई होती तो आज हमें पूरा डेटा मिलता। खैर जो हुआ सो हुआ। उस वक्त कॉफिन को हास्टली जल्दीबाजी में खोलने के बावजूद बॉडी आज भी वैसी की वैसी है। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड देयर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी द रिजरक्शन। अब रिजरक्शन का मतलब होता है पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो जाना, उसको रिजरक्शन कहते हैं। इजिप्ट के लोगों की यह मान्यता थी, ये सोच थी, ये बिलीफ था कि मृत्यु के बाद इंसान फिर से जीवित होते हैं। इसीलिए उसके साथ कई सारी सोने की हीरे की उसके काम की चीजें डाल दी जाती हैं। Cause the sensation at the time of the discovery and still get the most attention, but Tut was also buried with everyday things. Tut के साथ सिर्फ जेवर नहीं थे, उसके साथ क्या क्या था? Everyday things he would want in the afterlife, board games, जैसे हम चेस या लूडो खेलते हैं वो बोर्ड गेम्स है, उसी तरह के बोर्ड गेम्स। अ ब्रॉन्ज रेजर शेव करने के लिए रेजर, लिनन अंडरगार्मेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, खाना वाइन सब कुछ दफनाया गया। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फैरोस फ्यूनरी ट्रेजर्स कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। 3 नेस्टेड मतलब 3 लेयर, उनका जो कॉफिन था वो 3 लेयर का था। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड, श्राउड का मतलब होता है कफन का कपड़ा, adorned with garlands of willow and olive leaves, जिसके ऊपर विलो और ऑलिव के पत्ते थे, wild clary, lotus petals and corn flowers, the faded evidence of a burial in March or April. और इससे क्या पता चलता है कि शायद मार्च या अप्रैल के महीने में किंग टुट को दफनाया गया। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resins had hardened. जो उसकी पूरी पैकिंग थी वो हार्ड हो चुकी थी। सीमेंटिंग टुट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। अब उसको हिलाया नहीं जा पा रहा था, कॉफिन को खोला नहीं जा पा रहा था, तो आखिर क्या करें? द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट,
एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिंस फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक कार्टर ने उसे धूप में रख दिया. ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसे गर्म होने दिया. नथिंग बच्ड, कुछ नहीं हुआ. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away, hatodi marker nikalna pada, from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. Uske sharir ke hisson ko bahar nikalne ke pehle hatode se pura coffin todna pada. In his defense, Carter really had little choice. Ab Carter kehta hai mere paas choice nahi thi. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. थीव्स गार्ड्स को मार देते और पूरा का पूरा तोड़फोड़ कर देते सोने की खातिर. इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, और उनकी ऐसी सोच थी कि वो अपना सोना अपने जेवर अपने साथ ले जा सकते. आगे बढ़ते. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टुट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रेशियस कॉलर्स, इनलैंड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, a ceremonial apron, sandals, sheets for his fingers and toes, and the new, now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. To separate it from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and sweared nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of a sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rest. So, ye sab kuch us waqt kiya gaya, ye soch ke, कि भाई कम से कम बॉडी को बचाना है, इसीलिए जेवर वहां से निकाल लो ताकि कोई सोने की लालच में कॉफिन को डैमेज ना करे. आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ. इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी and revealed a startling fact beneath the resin that cakes the chest, his breastbone and front ribs are missing. अब समय बदला बेटा. पुराने जमाने में धरोहर की खोज सोने के लालच में होती थी क्योंकि खजाना मिलेगा. आज के जमाने में सोने की किसी को कीमत नहीं है. इंपॉर्टेंस किस चीज को है ये जानने में कि यार उस वक्त हुआ क्या होगा. पहली बार जब 1968 में 40 साल पहले एनाटॉमी के एक प्रोफेसर ने टूटनखामून की बॉडी का एक्सरे बनाया था तो उसने बताया था कि ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स गायब है. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसे सीटी भी कहते हैं, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी. व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टुट देन द एक्सरे, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई and how old was he at the time of his death. आज भी टूटनखामून को लेकर दो सबसे बड़े क्वेश्चन क्या है, एक उसकी मौत कैसे हुई, दूसरा जब उसकी मौत हुई तो वो कितनी एज का था. King Tut's demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family line and his funeral was the death rattle of dynasty. उस पूरे वंश का अंत हो गया था उसके साथ. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. उसकी मृत्यु और उसके बाद घटित घटनाओं के बारे में जानकारी क्लियर नहीं है. Amhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh, Amhotep III, इनके दादा, who ruled for almost four decades, 40 साल तक उनका शासन चला, at the height of the 18th dynasty's golden age. His son Amhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history. Amhotep IV, जिन्होंने आगे चल के खुद का नाम अखनाटन कर दिया था, उन्होंने इजिप्त के इतिहास का एक अजीब सा पीरियड शुरू कर दिया. द न्यू फैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, द सन डिस, उन्हें सूर्य देवता की पूजा करना सिखाया. चेंज हिज नेम टू अखनाटन, अपना नाम अखनाटन कर दिया, और सर्वेंट ऑफ द एटन, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखेटन नोन एज अमुनरा. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. This must have been a horrific time, said Roy Johnson, director of the University of Chicago's research center in Luxor. The site of ancient Thebes and then Akhenaten,
वेंट अ लिटिल वैकी। अब उस जमाने में सब कुछ मतलब बहुत खराब हुआ, सब कुछ बुरा हुआ। इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम। लोग डर गए थे, मंदिर बंद हो गए, सब टूट गया। ये समय बहुत मुश्किल रहा होगा। आफ्टर अख्नातन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड शमनखा अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस। मतलब कुछ दिनों के लिए शमनखा राजा बना। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखातेन took the throne. King Tut, as he is widely known today, the boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. उसने 9 साल का शासन किया, अपना नाम Tutankhaten से Tutankhamun किया, living image of God Amun, मतलब अपने पिता की गलती को सुधारा. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. कितनी मम्मी वाइट बॉडीज हैं किसी को नहीं पता। आपको सुनकर हैरानी होगी, जस्ट एक हफ्ता पहले इजिप्त में ही 60 ऐसी कॉफिन्स ढूंढ निकाली गई हैं जिनके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री लिस्ट बना रहा इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। 600 तो उस 2003 से अब तक गिन चुके थे और अभी भी गिनती जारी है। The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens. तो दूसरा phase क्या था? National Geographic Society और Siemens की तरफ से एक machine दी गई थी, जिसके through CT scan करना। King Tut is one of the first mummies to be scanned in death, as in life moving regally ahead of his country. जैसे एक राजा आगे चलता है, वैसे कि King Tut भी अपने सारे pharaohs से आगे निकलते हैं, क्योंकि वो पहले किंग थे जिनका सीटी स्कैन हुआ। अ सीटी मशीन स्कैन्ड द मम्मी हेड टू टो, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। टुट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। टेक्स एन एरी डिटेल, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज विद टुट्स एंटायर बॉडी। सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगन टू प्रोब। प्रोब मतलब जानकारी हासिल करना। The secrets that wing goddesses of a gilded burial shine protected for a lost soul. आखिरकार क्यों उसकी बॉडी को सोने के ताबूत में पैक किया, क्यों उसके आसपास इतनी मिस्ट्री, सब जानने की इच्छा है। The night of the scan, workmen carried it from the tomb in his box, like pall bearers, जैसे कुछ लोग कंधे पे अर्थी उठा के निकलते हैं वैसे। They climbed a ramp in a flight of stairs into the swirling sand outside. Bar andhi machi hui thi rain ki. Then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The million-dollar scanner had quit because of sand and cooler fan. Curse of the pharaoh, joked the guards nervously. अब उस दिन तेज आंधी चल रही थी, जिसके चलते जो मशीन थी उसके कूलर फैंस में डस्ट चली गई, तो बाहर से प्लास्टिक के फैंस मंगाने पड़े। एक गार्ड ने मस्ती करते हुए कहा कि शायद ये फेरो का श्राप है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क्ड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टुट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट had laid him so long ago. अब देख लीजिए यहाँ पर पूरी जानकारी प्रोवाइडेड है कि उसके साथ क्या हुआ, किस तरह से उसका सीटी स्कैन हुआ। 3 घंटे तक उसका टूम बाहर रहा, फिर उसको वापस रख दिया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेजेस ऑफ टुट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। उसको हर डायरेक्शन घुमा के देखा। नेक vertebra appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the rib cage and a transection of the skull, but for now the pressure was off. Sitting back in his car, Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. Zahi Hawass कहते हैं कि यार अब मैं पूरी रात नहीं सोया था, अब सुकून से सो पाऊंगा।
The winter air lay cold and still like death itself. In this valley of the departed, just above the entrance of Tut's tomb, stood Orion, the constellation that the ancient Egypt knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. Asman mein ek constellation hai, Orion. Usko Egyptian civilization mein Osiris, yani mrityu ke devta ke taur pe mana jata tha. Aaj mrityu ka devta Osiris, us rajkumar ko asman se dekh raha hai. Yahan pe hota hai aapka unit khatam. आपके कोई भी डाउट्स हो, डिफिकल्टीज हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप यू एंजॉयड टुडेस लेक्चर.